वाली हूँ एक सीक्रेट रूम, वो भी अपने घर में नहीं बाहर। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपना सीक्रेट रूम आज बनाने का वाली हूँ। मेरा सीक्रेट रूम बनने वाला है मेरी कार में। और लाइफ में पहली बार मैं अपना सीक्रेट रूम बनाने वाली हूँ अपने घर से बाहर। और मुझे नहीं लगता कि इस बार मैं पकड़ी जाऊंगी, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। घर से बाहर निकलना बहुत डिफिकल्ट होगा। और इस बार भी छोड़ने वाली है मुझे मेरी बहन। अबे यार थक गई यार, मैंने सोचा कि मैं उसको मिनटों में निकाल लूंगी ढूंढ के। भैया आपने इस लड़की को देखा? मैं पापा को कॉल करती हूँ और पापा से पूछती हूँ उनकी लोकेशन कहाँ की दिखा रही है। और बस मेरा वक्त खत्म ना हो, अभी है मेरे पास 6-7 मिनट, पहुँच जाऊंगी मैं आराम से। तो चलो फाइनली हम बनाते हैं अपना सीक्रेट रूम गाड़ी के अंदर। को तैयार कर रही हूँ ताकि मैं इस पे आराम कर सकूँ, लेट सकूँ और मस्ती मजे सब कर सकूँ, क्योंकि उसको भी मुझे ढूंढने बहुत टाइम लगेगा। मुझे तो लगता है कि वो ढूंढ भी नहीं पाएगी यार, क्योंकि ये ना लाइफ में पहली बार हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो उसको आइडिया भी होगा कि मैं यहाँ पर बना सकती हूँ। नहीं गाइस, बस अब मेरा रूम तैयार होने वाला है थोड़ी देर में। और मैंने यहाँ पर पीछे के सारे अपने फ्रूट्स लगा दिए हैं। वाओ, ये तो बहुत प्यारा भी लग रहा है यार, बहुत अच्छा दिख रहा है। मुझे तो लगता है अब तक का सबसे प्यारा सीक्रेट रूम यही बनेगा। और ये देखो मैंने अपना ये मूडी सा ये भी रख लिया है यहाँ पर। और साथ में मुझे मेरे मम्मी और मिम्मी की याद ना आए, उसके लिए मैं लेकर आई हूँ इन दोनों को। चलो इसको भी लगा लेते हैं यहाँ पे। और जैसे कि ये कार मेरी है तो इसमें मेरी पहचान तो होनी चाहिए ना, तो मैं लगाऊंगी अपनी प्यारी सी फोटो। ये देखो एक फोटो मैंने लगाई है यहाँ पे। तो फाइनली मेरा सीक्रेट रूम बन के तैयार है। रुको जरा, सबर करो। गाइस आपको पता है मेरे जो सीक्रेट रूम की छत है उसको मैं खोल भी सकती हूँ और अपने हिसाब से बंद भी कर सकती हूँ। चलो मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। खुल जा सिम सिम। तो भाई मैं निकल गई हूँ अपनी छत से बाहर। मैंने सोचा कि मैं बाहर निकल कर भी देखती हूँ दुनिया में क्या चल रहा है भाई। और दुनिया में तो ये क्या चल रहा है, कुछ ज्यादा ही बाहर लोग शोर मचा रहे हैं। तो मुझे लगता है मुझे अपनी प्यारी सी दुनिया में चले जाना चाहिए। जो मैंने अपनी सीक्रेट रूम की दुनिया बनाई है ना, मैं उसी के अंदर आराम से ठीक हूँ। यहाँ पर तो बहुत ज्यादा शोर है, चलो अंदर चलते हैं। भाई जी पूरा घर बनाने में तो मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, तो मैं सोचा थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। और मुझे भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है, चलो फिर इसी चलती फिरती गाड़ी में कहीं खाने के लिए चलते हैं। हां गुड आइडिया, निकलते हैं यहाँ पर से। चलो उसके बाद मैं उसको बुलाऊंगी कि आ जाओ अब तुम्हारा टाइम शुरू हो गया है। गाइस तो अब मैं आ चुकी हूँ ड्राइव थ्रू में और अब मैं यहाँ से लेने वाली कुछ खाने के लिए। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, चलो लेते हैं एक मैक चिकन का और एक आलू टिक्की। तो फाइनली मैंने खाना पीना सब अपना डन कर लिया, बिल्कुल भाई पेट भर गया मेरा, मुझे कुछ खाने की जरूरत नहीं है। अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ लेट कर यहाँ पे मस्त बिल्कुल। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि मुझे क्या करना है, मुझे उसको कॉल करनी होगी और मैं अपनी बहन को बोलूंगी कि चलो भाई तुम निकल जाओ अब अपने रूम से। और सबसे बड़ी बात मुझे उसको बोलना है कि अम्मी के पास जाओ, बस उसको हिंट मिल जाएगा। हिंट में मैंने कुछ लिख कर दिया है, पहले मैं चलो उसको रूम से निकाल देती हूँ, क्योंकि एक घंटे का टाइम दूंगी मैं तो आराम से मैं चिल कर सकती हूँ। हेलो हेलो यार, कितनी देर में तुम यार कॉल कर रही हो, 1.5 घंटे हो गए बताओ। अब तुम निकल सकती हो फाइनली और अब मेरा सीक्रेट रूम भी बनकर तैयार है। अब ढूंढ सको तो ढूंढ निकालो, मुझे पता है कि इस बार तुम नहीं ढूंढ पाओगी। सब ढूंढ लूंगी बेटा, तू हारती है और हारती ही रहेगी जिंदगी भर। नेवर 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 नेवर, अब जाओ और निकल जाओ। तो तुम्हारे लिए मैंने इस बार इजी कर दिया, तुम्हें अम्मी के पास जाना और तुम्हें एक हिंट मिलेगा, जल्दी से जाओ जाकर ले लो और बस ढूंढ लो। फिर ढूंढ सको तो फिर तो मैं 1 घंटे में क्या 1 मिनट में ही ढूंढ लूंगी, हिंट देखते ही पहचान जाऊंगी। बेचारी गलतफहमी में है, ठीक है ठीक है। गाइज मैंने उसको बोलते दिया और उसको बिल्कुल लग रहा है कि वो ढूंढ निकालेगी, इतना कॉन्फिडेंस आ गया ना, मैंने हिंट का जो नाम ले लिया। लेकिन क्या करे, मुझे पता है वो नहीं निकाल पाएगी ढूंढ के। गाइज मुझे बहुत ही गंदी तरीके से उसने बहुत देर तक यहाँ पे लॉक करके रखा था और उस बेशरम ने मुझे अप कॉल करके बताया कि ढूंढने के लिए निकल जाओ। तो चलो गाइज चलते हैं और उसको ढूंढते हैं। और अभी अभी मुझे उसने बोला है कि अम्मी के पास कोई हिंट है, वो मुझे लेने के लिए बोला है उसने। तो चलो चलते हैं और देखते हैं अम्मी के पास क्या हिंट है। फिलहाल हम जल्दी से पहले पूरे कमरे की छानबीन करते हैं। हम लोग चलो आराम करते हैं यहाँ पे, बिल्कुल रेस्ट करते हैं। हो गया मेरा, मैंने तो बोल दिया कॉल करके आपके पास। तो गाइस जैसा कि समरीन ने बोला कि अम्मी के पास हिंट है और अम्मी इस रूम में बैठी, यानी कि इस रूम में समरीन है ही नहीं, हो ही नहीं सकती है। तो इसलिए मैंने इस वाले रूम को मैं नहीं देखने वाली फालतू का। तो अम्मी कोई हिंट है तुम्हारे पास?
तो गाइस अब मैं लेटने वाली हूँ और अब थोड़ा रेस्ट करती हूँ। चलो भाई, मतलब लग रहा था मैं कितने घंटों से नहीं लेटी हूँ यार, ऐसा लग रहा था पूरी बॉडी में दर्द हो गया बिल्कुल। ये रूम वूम बनाने में इतना थक गई मैं कि अब मुझे थोड़ा रेस्ट करना ही पड़ेगा। चलो अब मैं थोड़ी नींद लेने वाली हूँ, बस आराम करने। चलो वो बेचारी तो मुझे ढूंढ रही होगी और मैं मजे से सो रही हूँ। उसने इस हिंट में लिखा है कि वो एक ऐसी जगह पे है या फिर कुछ ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा यूज करती है, वो हिंट दिया उसने। मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या यूज करती है घर में सबसे ज्यादा, ऊपर से एक घंटे का टाइम दिया है। तो यूज करती है वो बाथरूम, सबसे ज्यादा बाथरूम यूज करती है वो। नहीं गाइस, ये तो भूतिया मॉल है, यहाँ नहीं है। क्या यूज करती है वो? हो गया ये जहां। क्या यूज करती है गाइस? मैं सब कुछ चेक करना चाहती हूँ दोबारा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं तो वो छुपी है। यार मुझे लगता है वो इस रूम में है कहीं पे छुपी हुई, क्योंकि ये वाला रूम भी वो अच्छा खासा यूज करती है। पर यहाँ वैसे मैं एक चीज बताऊँ, यहाँ पे अच्छा खासा सा सीक्रेट रूम बन सकता है। और बस कुछ नहीं, अब नहीं बताना चाहती हूँ कुछ। ओह माय गॉड, समरीन तो यहाँ है। समरीन कल्प्रिट मुझे मिल चुकी है गाइस। टाइम वेस्ट कर रही हूँ अपना, वेस्ट क्या, आराम आराम से तो मैं ढूंढ रही हूँ, टाइम ही टाइम है एक घंटे का। गाइस मैं सोने के लिए तो सोई थी, लेकिन मैं इतना ज्यादा सो नहीं पाई, मुझे नींद ही नहीं आई यहाँ पे। और अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए यार, इतनी देर बैठकर मैं क्या करूँ, मेरा टाइम ही पास नहीं हो रहा है ऐसे तो। यार मैं सच बताऊँ तो मुझे नहीं समझ नहीं आ रहा वो किधर छुपी है, क्या बोलना चाह रही है। वो यूज करती है शीशा, यूज करती है वो शीशे के पीछे। क्या है यार, अजीब अजीब जगह पे सीक्रेट रूम बनाती है। तो अब मैंने, मेरे दिमाग में आया आइडिया है कि क्यों ना मुझे गाड़ी चलाना सीखना चाहिए। तो चलो आगे चलते हैं और गाड़ी चलाना सीखते हैं। अबे भाई मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ यार, मैं घर में क्यों ढूंढ रही हूँ उसको, बाहर छुपी होगी वो। एक बार स्टोर रूम में देख कर मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा बाहर ही छुपी है। गाइस तो अब मैं सीखने वाली हूँ ड्राइविंग, और आज मैं गाड़ी चलाना सीख ही लूंगी। अब जो मैं ये 10-15 मिनट सीखूंगी ना, वो मैं ही कर ही आ जाऊंगी, उसके बाद से आगे मैं ही गाड़ी चलाऊंगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गाइस यहाँ तो कुछ नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। बहुत डर डर लग रहा है यार। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। बस हवा निकल गई। अरे उसे दबा कर रखो ना, उसे छोड़ना नहीं है मैं। दबा के है वो। दबा के कब करता है? चल जाएगी बेब। वुमेन। नहीं चलेगी, अभी नहीं चलेगी। अबे यार थक गई यार, मैंने सोचा कि मैं उसको मिनटों में निकाल लूंगी ढूंढ के, लेकिन यार उसने कुछ ना कुछ वजह से ही मुझे एक घंटे का टाइम दिया है। कहाँ पे छुप सकती है वो? कुछ जगह है जो बहुत ज्यादा यूज करती है, बहुत ज्यादा यूज करती है। नहीं 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 नहीं, डर गई, बहन डर गई। मैं नहीं करूंगी। गाड़ी चलेगी नहीं आगे जब तक यहाँ से नहीं चलेगा, वहाँ तो छोड़ो तो सही। नहीं चल रही है, छोड़ो तो मैं उतरूंगी। ये सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मुझे नहीं चलाना। शायद वो घर के बाहर है, यानी कि इस बिल्डिंग में भी नहीं, क्योंकि उसने मुझे कुछ सोच समझ के एक घंटे का टाइम दिया, यानी कि कुछ है ऐसा जो बहुत बड़ा जिसमें मुझे टाइम लगने वाला है उसको ढूंढने में। तो शायद वो कहीं एक ऐसी जगह पे जो बहुत ज्यादा यूज करती है, यानी कि मॉल, दो मॉल है, DLF और GIP, जो बहुत ज्यादा यूज करती है। तो मुझे लगता है बिना टाइम वेस्ट किए हमें बाहर जाना चाहिए। भाई वो वहीं छुपी हुई बैठी है DLF या फिर GIP में, और एक घंटे का टाइम तो बहुत कम है। पता नहीं वो कर क्या रही होगी, कहाँ छुपी होगी, मतलब वो फुल मजे में होगी कि इस बार वो मैं उसको ढूंढ नहीं पाऊंगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ढूंढ के तो मैं कैसे भी निकालूंगी। मैं जा रही हूँ अब मॉल फटाफट से, जल्दी से मेरी इस मेहनत जो मैं करने जा रही हूँ ना उसके लिए लाइक कर देना। इतनी गर्मी है बाहर, लेकिन फिर भी हम ढूंढेंगे उसको, बाहर चलते हैं फिर। गाइस मैं अभी आ चुकी हूँ मॉल, और यहाँ मैं उसको ढूंढ रही हूँ। और यहाँ पर मैंने बहुत सारी जगह पे नजर फिरा ली अपनी, अभी तक मुझे यहाँ तो नहीं दिख रही है वो। गाइस पीछे से पता है इतनी सारी गाड़ी आ रही है, मुझे अंदर से थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन इतना भी नहीं डर लग रहा, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं चला ले रही हूँ। वो भी रोड पे, वाह। अब मैं ज्यादा पीछे नहीं देख सकती हूँ। मुझे लगता है कि वो कहीं और ही छुपी है यार, इस मॉल में भी नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह पे ढूंढा है उसको, लेकिन कुछ जगह और ढूंढ लेती हूँ, वहाँ पर देखती हूँ फिर। और आज थोड़ा खाली खाली भी है, तो मुझे ऐसे दिख नहीं रही है वो कहीं पे भी। जहाँ जहाँ वो जाती है वहाँ वहाँ मैंने देख लिया, एक और जगह देख लिया। गाइस मैं पागलों की तरह, मेरी हालत देख लो, मैं कितनी बेकार दिख रही हूँ उसको ढूंढते ढूंढते, मेरी क्या हालत हुई है। यहाँ तो मुझे नहीं दिख रही है वो, और मैं किसी से पूछ भी नहीं रही। I'm just gonna drive, drive, drive.
तो गाइस मैं अब जा रही हूँ उसकी फोटो दिखाने और फोटो देखा के पूछूंगी किसी से किसको देखा है या नहीं। इनसे पूछती हूँ, ये बिल्कुल मेन गेट पे बैठे हैं। भैया आपने इस लड़की को देखा? अरे बताओ ना क्या बताऊंगा। गाइस भैया ने तो साफ मना कर दिया कि इन्होंने नहीं देखा, तो इसका मतलब साफ है कि वो शायद डीएलएफ में छुपी होगी। गाइस अब बहुत कम टाइम बचा, मुझे नहीं लगता उसकी कोई कॉल वॉल भी आई है ना कुछ बोला उसने, पता नहीं वो किधर है, और मुझे नहीं लगता कि वो पकड़ पाएगी क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। मैं अब आ चुकी हूँ डीएलएफ, जैसा कि मुझे ऐसा लग रहा था, हिंट मेरा ऐसा मतलब वो हो रहा है कि यही होगी सारी बना। हर एक एक शॉप में नजर मारते ही जाऊंगी मैं, वहाँ तो नहीं दिख रही है, ना भी नहीं, ये तो बंद हो जाए। अरे भाई दुकान तो बंद हो रही है, और अभी तक उसको पता पता नहीं है कि वो कहाँ ढूंढ रही है मुझे, पता नहीं इस टाइम पे कहाँ पे होगी। मैं तो आराम से अपना घूम रही हूँ इधर उधर, लेकिन देखते हैं कब तक वो बोलती है, कब तक आएगी। एक घंटा भी होने वाला है अब तो, और अब रात भी होने वाली है बिल्कुल। अब मैं जा रही हूँ किसी एक जगह पर जाकर बैठ जाती हूँ और देखते हैं, वेट करते हैं कब तक आती है वो। गाइज अब सिर्फ 25 मिनट बचे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे ढूंढ पाएगी, अब इतना कम टाइम बचा है यार। गाइज मेरी तो सांसें फूल गई है उसको ढूंढते ढूंढते, वो यहाँ पर भी नहीं मिली मुझे कहीं पे भी। अब मुझे दिमाग की बुद्धि तेज दौड़ानी होगी कि भाई वो है कहाँ, यहाँ आती थी हर जगह, उसने मुझे यही तो हिंट दिया था, मैं वो यूज करती हूँ और वो उसमें ही रहती हूँ, क्या हो सकता है ऐसा यार। वो कार में तो नहीं बनाया उसने सीक्रेट रूम अपना। मैं भी ऐसा विनर जैसा फील कर रही हूँ ना अंदर से, मुझे लग रहा है कि वाह मैं जीत गई हूँ पहली बार। मतलब यार इतनी मेहनत मैं हमेशा करती थी कि जीत जाऊँ लेकिन कभी नहीं जीत पाती। आज मुझे लग रहा है कि यार वाह मैंने ये अच्छा डिसीजन लिया था यहाँ पे छुप के। और अभी के अभी सब लोग कमेंट में लिख दो कि समरीन ओपी, समरीन इज विनर। मुझे ऐसा लग रहा है उसने कार में, क्योंकि मेरे दिमाग में कार तो आएगी क्योंकि वो कार भी यूज करती है डेली। जैसे ही मुझे लगा कि समरीन कार में हो सकती है, वैसे ही मैंने पापा को कॉल करके लाइव लोकेशन पूछा और उन्होंने ये कहा, नोएडा में है ये, गलेरिया कोई जगह है उसी के आसपास। चारे पता नहीं किधर होगी और किधर पागल होगी ढूंढ ढूंढ के मुझे, लेकिन उसे क्या पता कि मैं अपनी ही कार में छुपी हूँ। वाह, जैसे ही मुझे पता चला कि समरीन तो नोएडा में ही है, वो भी गलेरिया के पास, वैसे ही मैं फौरन भागती हुई गई क्योंकि वो जगह मेरी जगह से बहुत ही नजदीक थी। मैं निकल गई हूँ यहाँ डीएलएफ से, मतलब उसको ढूंढते ढूंढते देख रहा अंधेरा हो गया, मेरे बिल्कुल सामने है गलेरिया, बिल्कुल सामने। मैं पैदल चली जाऊंगी यहाँ से, बस मेरा वक्त खत्म ना हो, अभी है मेरे पास 6-7 मिनट, पहुँच जाऊंगी मैं आराम से, बस जल्दी जल्दी जाना। गाइस मैं आ गई हूँ आइसक्रीम खाने के लिए क्योंकि वो अभी तक ढूंढ रही थी, मैं सोचा मैं तो थोड़ा सो भी गई थी यहाँ पर बैठे बैठे वेट करते करते, चलो आइसक्रीम ले। गाइस मैंने आइसक्रीम ले ली है, अब चलो इसको खा लेते हैं। गाइस मैं इतनी दूर से चल चल के आ रही हूँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है भाई, और मुझे उसकी गाड़ी नहीं दिख रही कहाँ पे है, कहीं पापा को गलत तो नहीं दिखा दिया होगा। ये देखो गाइस यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ पर मुझे दिख नहीं रही है, इन्हीं सब में से कोई एक गाड़ी होगी। बड़ी बात ये कि मुझे अपनी गाड़ी का नंबर तक याद नहीं है, इन्हीं सब में से कहीं पे होगी यार, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, खत्म हो जाएगा टाइम। वो ब्लैक गाड़ी मेरे को मिल रही है, ऐसे में मुझे एक गाड़ी दिख रही है, और ये मुझे देखना पड़ेगा ये मेरी गाड़ी है या नहीं, क्योंकि ऐसी गाड़ियां बहुत ज्यादा सेम है, चेक करना पड़ेगा मुझे, नहीं पता कि ये है या नहीं यार। भाई यही है क्या? पर इसमें कोई है नहीं। ओ भाई ये तो ये रही, ये तो यहाँ बैठी है। प्रैंक हो गया आपके साथ। अबे भाई यहाँ कैसे आ गई? बेटा सब पता चल गया, सब पता चल गया मेरे को, तू यही छुपी हुई थी, मैं पहले से ही पता था। यहाँ कैसे आ गई तुम? वो अपनी वीडियो में देख लेना कितनी मुश्किल से आई मैं यार, और कोई फायदा नहीं है तुम्हारे ढूंढने का, अभी के अभी टाइम खत्म हो चुका है, 1 मिनट पहले लेट हो। अरे यार लेकिन मैंने इतनी मुश्किल से ढूंढा यार, और कुछ नहीं होता, मैं जीत चुकी हूँ गाइस। ये मुझे दूर से दिखी नहीं रही थी, ऊपर से मैं गाड़ी भी नहीं पहचान पा रही थी अपनी, क्योंकि ऐसी गाड़ियाँ बहुत सारी है, मैंने भी अपना कैमरा भी नहीं ऑन कर रखा था। अरे यार फाइनली गाइस मैंने इसको पकड़ लिया, और मैं बिना टाइम खत्म हो चुका था, तो तुम फिर भी गाइस आप लोग कमेंट बताना, आप लोग बताएंगे मेहनत की है मैंने, और आप लोग कमेंट ये बताना कि मैं इतनी देर तक छुपी रही थी, वो भी मेरी मेहनत थी, और टाइम खत्म हो चुका था, तो किसको विनर मानोगे आप लोग? मम्मी मेरी हालत देखो पहले एक बारी, कोई बात हालत देख मेरी तो ऐसी ही।